फ्रूटी, शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जिसने फ्रूटी पी ना हो या उसका नाम ना सुना हो। पिछले साल इस ब्रांड की सेल थी 4,000 करोड़, यानी 11 करोड़ प्रति दिन। फ्रूटी प्रोडक्ट है पार्ले एग्रो का। ये पार्ले वो नहीं है जो 2020 या पार्ले जी बनाती है, और ना ही ये वो पार्ले है जो बिस्लेरी बनाती है, बट हाँ ये तीनों पार्ले आपस में भाइयों की है। इस ग्रुप की कर्ता धरता है तीन बहनें। जी हाँ, ये कहते ना कि इस मेल डोमिनेंट बिजनेस में कुछ महिलाएं भी हैं जो जबरदस्त काम कर रही है, उसमें से ये ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तीन बहनें शौना, अलीशा एंड आज के शो की स्पेशल गेस्ट नाडिया चौहान, जो पार्ले एग्रो ग्रुप की मार्केटिंग ऑफिसर है। जब इन्होंने पार्ले ग्रुप ज्वाइन किया 2003 में, इनकी उम्र थी मात्र 17 वर्ष। पार्ले एग्रो ग्रुप की सेल थी मात्र 300 करोड़, और 300 करोड़ से पार्ले एग्रो ग्रुप को लेके आ गई है 8,000 करोड़ पे, और उसमें से 4,000 करोड़ की अकेली सेल है फ्रूटी की। और इस कंपनी के दूसरे और प्रोडक्ट हैं जैसे बेली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या एपिफिज, ये इसी ग्रुप के प्रोडक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे यार, पार्ले का नाम सुनते ही तो हमने सोचा था पार्ले जी, 2020, मोनेको, क्रैकजैक, ये सब आता है यार, ये कहां से राहुल जी नई चीज लेके आ गए। सुनो सर, पार्ले ग्रुप का पूरा इतिहास मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि भैया ये ग्रुप कब चालू हुआ था, इसके तीन टुकड़े हुए, कौन कौन से टुकड़े को कौन कौन संभालता है, कौन कौन सा ग्रुप कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है, तो पार्ले ग्रुप का आगा पीछा सब जानने को मिलेगा। और आज की डिटेल में अपन एक बात और जानेंगे कि फ्रूटी कैसे लॉन्च हुआ, कैसे इतनी बाजार की भीड़ में अलग पहचान बनाई, और आज इतनी 4,000 करोड़ की सेल कर रहा है। तो बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी, पैकेजिंग के लेसन आपको सीखने वाले हो, तो इस वीडियो को भैया लाइक जरूर कर देना। और अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया किस चीज का वेट कर रहे हो? मोदी जी खुद आके बोलेंगे रात को 8 बजे, तब करोगे? अभी के अभी कर दो। पार्ले ग्रुप की शुरुआत हुई 1929 में। किसने की? मोहनलाल चौहान ने। और कहां की? विले पार्ले में। शुरुआत में काम था इनका बेकरी का, ब्रेड, बन, रस्क, ये टोस्ट वोस्ट ये सब बनाया करते थे। लेकिन इन्होंने 10 साल तक ये काम किया, बहुत ज्यादा बड़ी सफलता नहीं मिली। बड़ी सफलता जो ब्रेक थ्रू आई, इन्होंने 1939 में 10 साल बाद बिस्किट बनाने का काम चालू किया। याद है पार्ले जी, वो चालू काम किया लेकिन ये बाजार में नहीं बेचते थे, सिर्फ लाइसेंस मिला था ओनली टू सप्लाई ब्रिटिश आर्मी, सिर्फ ब्रिटिश आर्मी के लिए बिस्कुट बनाते थे। 47 में जब देश आजाद हो गया तो बोले गई ब्रिटिश आर्मी, अब क्या करें, अब तो खुला भेजो। अब उस समय ग्लूकोज के नाम पे जो बिस्किट चला करते थे वो ब्रिटिश बिस्कुट चला करते थे, तो इन्होंने खेला स्वदेशी दाव का, यार कहां विदेशी बिस्कुट खा रहे हो, देसी बिस्कुट खाओ ग्लूकोज वाले, हमारे बिस्कुट खाओ पार्ले के। और फिर पार्ले जी बिस्किट को इन्होंने बेचना चालू किया और धीरे धीरे वो काफी पॉपुलर ब्रांड हो गया। उस समय कोको कोला भी इंडिया में लिमिटेड रूप में व्यापार करती थी, पर 1977 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने कोको कोला को बैन कर दिया, इंडिया से एकदम बाहर कर दिया, तो सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट एकदम ओपन हो गया। तो पार्ले प्रोडक्ट ने 2-4 ड्रिंक्स बनाए, नाम बताओ कमेंट में, देखते हैं किसकी कितनी नॉलेज है। मैं आंसर देता हूँ, वो ब्रांड थे गोल्ड स्पॉट, वो ब्रांड था थम्स अप, वो ब्रांड था फ्रूटी। तो अब तक तो कहानी चल रही है एकदम सीधी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। मोहनलाल चौहान जी के थे 5 बेटे, उनमें जो पांचवे बेटे थे सबसे छोटे जयंतीलाल चौहान, उन्होंने कहा भैया इन चार भाइयों के लाइफस्टाइल अलग है, मेरी अलग है, अपने को खुद का कुछ करने का है, मेरे को भैया हटाओ, मैं तो अलग खुद का व्यापार करूंगा। तो जयंतीलाल चौहान ने कर ली अपनी अलग से कंपनी, और वो कंपनी का नाम है पार्ले एग्रो प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट का ब्रांड है फ्रूटी, जिसपे अभी करेंगे अपन डिटेल में बात। अब उसके बाद बचे कितने भाई? चार भाई। चार भाई में से एक भाई के और जची की नहीं, मैं भी भाई साहब ये अलग हुआ भैया मैं भी अलग हूंगा, वो कौन अलग हुए? रमेश चौहान। और वो जब अलग हुए तो उन्होंने ब्रांड ले लिया पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का, कौन सा ब्रांड? बिस्लेरी। अब पार्ले जी के भाई साहब तीन ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसमें तीन भाई एक साथ बैठते हैं, वो मेन ग्रुप है पार्ले प्रोडक्ट। उसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? पार्ले जी, 2020, मोनेको, क्रैकजैक, किस्मी बार, तो कुल मिला के बिस्किट और टॉफी डिवीजन। सेकंड है पार्ले बिस्लेरी, जो रमेश चौहान जी देखते हैं, बिस्लेरी इनके अंडर आता है। और थर्ड है पार्ले एग्रो, जिसमें आता है फ्रूटी, एपिफिज और बेली ड्रिंकिंग वाटर। तो आज शायद जाके आपको पार्ले ग्रुप की हिस्ट्री क्लियर हुई कि अच्छा तीन भाई है और ऐसे ऑपरेट करते हैं। अब आते हैं हमारे मेन केस स्टडी के टॉपिक फ्रूटी पे। फ्रूटी लॉन्च हुई सन 1984 में। अब 84 में फ्रूटी लॉन्च होते ही हिट हो गई थी भाई साहब। बोले सर जी ऐसा क्या कर दिया लॉन्च होते हिट हो गई? बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण पैकेजिंग इनोवेशन। उस समय क्या सीन था आपको सबको याद है कि भैया अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है दुकान पे जाओ, कांच की बोतल लो, वहीं पियो और बोतल वापस रखो। अगर आसपास दुकानदार तुम्हारा जानकार है तो बोतल तुम्हें घर ले जाने देगा, लेकिन तुम घर जाके पी के अगले दिन आके वापस देनी पड़ेगी भाई साहब। ये चीज थी। अब इन्होंने कहा इसके चक्कर में कई चीजें होती है कई नहीं होती, तो इन्होंने पहली बार पार्ले एग्रो वॉज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च द टेट्रा पैक। तो जो प्लास्टिक का टेट्रा पैक था वो पहली बार इन्होंने लॉन्च किया, और जो लॉन्च किया था वो ग्रीन पैकेट में लॉन्च किया था। तो पहली इनकी सक्सेस का राज क्या? फर्स्ट मूवर एडवांटेज।
कोई आजू बाजू अगल बगल में कॉम्पिटिशन ही नहीं, अपने तरह के इकलौते। सेकेंड इनकी सक्सेस करा जिन्होंने प्रोडक्ट वो चूज किया जो इंडिया का फेवरेट प्रोडक्ट है। भाई साहब आप मैंगो की टॉफी लॉन्च कर दोगे तो मैंगो बाइट हिट हो जाएगी। तुम बाजार में जाओगे ऐसी कोई दुकान नहीं मिलेगी जो मैंगो का जूस नहीं देती हो, और जो दुकान मैंगो का जूस देती है वो अपने आप में सफल दुकान है। सो मैंगो इंडिया का फेवरेट है और उसी फ्लेवर में लॉन्च किया, ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा, इस ड्रिंक को मार्केट ऐसे किया गया, देखिए बच्चों का ड्रिंक है। अब पहले बच्चे कहते थे अच्छा थम्स अप पिलाओ, लिमका पिलाओ, ये सारी चीजें ऐसी थी कि यार कार्बोनेटेड है, बच्चों के हेल्थ की नहीं है, हेल्दी कोई चीज हो। अब आम का जूस, अब बच्चे कह रहे हाँ भाई आम का जूस दिलाओ, तो माँ बाप भी खुश कि यार बच्चा आगे से हेल्दी चीज मांग रहा है, पिलाते हैं भाई सब। तो बच्चा हेल्दी चीज मांगे तो माँ बाप को बड़ी खुशी मिलती है, ये भी हिट सब। इस तरह से प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ, लेकिन ऑब्वियसली जैसे पता है कि भारत की जेब बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो धीरे 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 शने करते करते ये 2002-03 तक पहुंचा, ले देखे 300 करोड़ के टर्नओवर पे। 2002 में एक और इनोवेशन इन्होंने किया जो अगेन वर द फर्स्ट इन इंडिया, प्लास्टिक की बोतल में जो फ्रूटी दी गई थी वो पहली बार वो भी इन्होंने ही दी है भाई साहब। इस समय पे देखा जाए तो फ्रूटी एक सक्सेसफुल कंपनी तो थी लेकिन बहुत लिमिटेड लेवल पे। 300 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक ठाक सा काम चल रहा है, लेकिन सब 2003 में एंट्री हुई इनकी जो बेटी थी जिन्होंने मार्केटिंग संभाली, नाडिया चौहान। जब 2003 में ज्वाइन किया इनकी उम्र थी मात्र 17 वर्ष। वो लोग 17 वर्ष की बच्ची को कंपनी संभाला दी, वो भी मार्केटिंग, वो भी 300 करोड़ के ग्रुप की। ये बच्ची 17 साल की उम्र में तो फुल फ्लेज संभलाया था, ये 11 साल की उम्र से ही अपने पिताजी के साथ फैक्ट्री ऑफिस वगैरह आती थी। जो पिताजी थे उन्होंने कहा मेरे बेटियां, तीनों बेटियां हैं, बेटा तो है ही नहीं, तो बेटा बेटी में डिफरेंस करने से अच्छा है कि बेटियों को भी बेटे जैसे ही पढ़ाओ। और ये मारवाड़ी गुजराती कम्युनिटी की चीज होती है कोर, कि बच्चों को बहुत छोटी उम्र से बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। और मैं कई बार सजेशन देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को आपका बेटा नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाए तो बस बहुत ही छोटी उम्र में उसका इंटरेस्ट बिजनेस में जगा दो, ऑफिस दुकान फैक्ट्री। मैं कह रहा हूं स्कूल से सीधा ऑफिस दुकान फैक्ट्री लेके आना है, चाहे कुछ काम न करे, होमवर्क दुकान पे बैठ के कर ले, पर कान में बिजनेस के शब्द पड़ेंगे तो आगे जाके उसका इंटरेस्ट इस समय बढ़ेगा। तो 11 साल की उम्र से आती जाती थी, 17 साल की उम्र में उन्होंने फुल चार्ज संभाल लिया। अब जो फुल चार्ज संभाला तो इन्होंने पहला डिसीजन ले लिया कि भैया ये आती है हरे कलर के पैकेट में फ्रूटी, आम का कलर होता है येलो, अब तुम हरे में बेच रहे हो यार, ये कौन सा कलर साइकोलॉजी आई, तो सबसे पहले तो भैया इसको येलो करो। तो सबसे पहला जो डिसीजन उन्होंने लिया इसको ग्रीन से येलो पैकेट में लेके आया, और आज की डेट में जनरेशन जो भी जानती है फ्रूटी को वो येलो पैकेट के नाम से ही जानती है, और ये आम की पहचान है। और जब इन्होंने कॉपी किया तो देखा जाए अब जितनी भी मैंगो ड्रिंक है वो सब पीले पैकेट में ही आती है। 2004 में दूसरा मास्टर स्ट्रोक क्या खेला, इन्होंने लॉन्च किया छोटा समोसा पैक। समोसा पैक था 2.5 रुपए का पैकेट आता था। इसके पीछे के लॉजिक सुनो साहब, पहला लॉजिक ये था कि भैया हमने जब 5 रुपए या 10 रुपए की चीज करते हैं तो एक तो बच्चे का होता है कि बच्चा पापा 10 रुपए दो, पापा 5 रुपए दो। अब 5 रुपए और 10 रुपए की अगर कोई परचेज है तो क्या होता है, पापा मम्मी साथ जाएंगे तभी बच्चा ले पाएगा, अकेले दम पे नहीं ले सकता। पर 2.5 रुपए का जब पैकेट है तो बच्चे को 1 रुपए की पॉकेट में नहीं मिली, 1 रुपए की मिली, अठन्नी जोड़ी, बच्चा खुद ही जाके लेके आ गया। एक बहुत बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ। दूसरा बेनिफिट, इंडिया एक टच एंड फील मार्केट का। इंडिया कहता है भैया पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो हम शैम्पू की बड़ी बोतल नहीं लेते, पहले 1 रुपए का शैम्पू का पैकेट लेते हैं, फिर लगता है भैया झाग तो पूरे थे, अब लेंगे बोतल। तो उन्होंने कहा यार फालतू इसकी फ्रूटी की बड़ी बोतल लेना या 10 रुपए के पैकेट लेने से अच्छा 2.5 रुपए में टेस्ट करके तो देख ले। और जैसे ही 2.5 रुपए में हुआ तो जैसे था ना दुकानदार 1 रुपए नहीं होता तो खुले में टॉफी पकड़ा देता है, तो ये उस तरह से भी दिया जाने लगा तो और सेल बढ़ गई भाई साहब। प्लस जो लोग इसको नहीं भी लेते थे, 2.5 रुपए में क्या जाता है, दिखा तो सही क्या चीज है, तो उस चक्कर में बच्चों के अलावा बाकी तरफ भी और रूरल एरिया में ग्रामीण इलाकों में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ गई। तीसरा मास्टर स्ट्रोक इन्होंने कहा कि यार देखो अगर हमने ये कहा ना कि फ्रूटी बच्चों की ड्रिंक है, तो अगर बच्चों के ड्रिंक बोली तो बच्चे ही बच्चे पिएंगे, और बच्चों के पास 10 ऑप्शन और है। अगर हमको फ्रूटी को ब्रांड को आगे बढ़ाना है और सेल बढ़ानी है तो इसको बच्चों की नहीं, बूढ़ों की, युवाओं की, जन जन की, हर उम्र की ड्रिंक बनाना पड़ेगा, तब जाके काम बढ़ेगा। तो इन्होंने पहले एड में बच्चे काम में लेते थे, बच्चे बच्चे बच्चे, अब इन्होंने कहा इमेज चेंज करने का टाइम आ गया। तो इमेज चेंज करने का टाइम आता तो क्या करना पड़ता है कि भैया आपको इसकी मार्केटिंग बदलनी पड़ती है और बच्चों से बड़ों पे लानी पड़ती है। और ये बड़ों पे कहां पे ला गए, एकदम सेलिब्रिटी मार्केट में चले गए। इन्होंने शाहरुख खान को हायर किया कि भैया तुम करो फ्रूटी का एड, अभी आलिया भट्ट एड करती है, अभी आपका अल्लू अर्जुन एड करते हैं। तो अब यूथ में मास सेलिब्रिटी में इनकी अपील की भैया देखो ये बड़े बड़े सेलर स्टार पीते हैं, 50 साल के शाहरुख खान भी पीते हैं, 30 साल की आलिया भी पीती है, तो ले देख के ओवरऑल कैटेगरी में बच्चे से लेके बूढ़े तक सबकी ड्रिंक है। ये मासी मैसेज बाजार में पहुंचा दिया। अब चीजों को अगर मासी लेवल पे पहुंचाना हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के कनेक्ट में आना होता है, और मैं YouTube के थ्रू तो आप कनेक्ट में हूं, लेकिन और पर्सनली कनेक्ट आने के लिए अभी WhatsApp ने नया फीचर लॉन्च किया है अपना एक चैनल, तो मैंने अपना चैनल क्रिएट कर दिया है। और जितने भी भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, जान रहे हैं, मेरे रेगुलर बेसिस पे कोई ऐसी चीजें जो मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर करना चाहता, पर्सनली आपके साथ कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट शेयर करना चाहता हूं, वो वहीं शेयर करूंगा, तो प्लीज उस चैनल को ज्वाइन कर लें। तो धीरे धीरे भैया 300 करोड़ से टर्नओवर 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000 तक भी पहुंचा
सोचा, लेकिन फिर एक नई टेंशन आने लग गई कि जो हमारी कंपनी है पार्ले एग्रो प्रोडक्ट, इसका 95% रेवेन्यू सिर्फ रोटी से आ रहा है। सो खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया, कंपनी बैठ जाएगी भाई साहब। हम कंसल्टिंग में भी सिखाते हैं बार बार, किसी भी एक कस्टमर पे पूरा भरोसा नहीं होना चाहिए। किसी आपने सोचा कि मेरी 10 करोड़ की सेल है, 9 करोड़ एक कस्टमर से आती है, गलत है। 10 करोड़ की परचेज है, 9 करोड़ सिर्फ एक जगह से खरीदते हो, गलत है। या एक ही प्रोडक्ट पे आपका दारोमदार है, सब गलत है। आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का रिस्क ना रहे। तो इन्होंने कहा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, क्या करें। बोले मैंगो पे दाव खेल लिया, आपकी बार खेलता है एप्पल पे। तो एप्पल पे इन्होंने लॉन्च किया एपिफिस। पैकेजिंग पे आप नोटिस करोगे इस पूरे ग्रुप का पैकेजिंग, सबसे पहले टेट्रा पैक ये लाए, और एपिफिस की डिजाइन देखो, ऐसी बोतल भी बाजार में नहीं है, वो भी पहले ये लेके आए। तो पैकेजिंग पे तो भैया इनकी पकड़ है। तो एपिफिस की अलग से मार्केटिंग की, अलग से बोतल डिजाइन की, अलग से टेस्ट था, बाजार में कंपटीशन नहीं था, वो प्रोडक्ट भी उड़ गया भाई साहब। फिर ये दूसरा प्रोडक्ट बोले अच्छा अभी तो थोड़ा सा हल्का हुआ है और करते हैं। तो इन्होंने लॉन्च किया खुद का पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, बेली नाम से जो वाटर आता है वो भी इनका है, और 1000 करोड़ की सेल बेली की करते हैं ये। तो टोटल जो पार्ले एग्रो प्रोडक्ट की सेल होती थी उसमें 95% जो रोल था वो अब घटके मात्र 48% आ गया, 52% बाकी सारे प्रोडक्ट भी बिकने लग गए। तो 8000 करोड़ की पार्ले एग्रो की सेल है, उसमें से 4000 करोड़ की सेल है फ्रूटी की, 1000 है बेली की, और बाकी एपिफिस और भी छोटे मोटे प्रोडक्ट है जो मिला के टोटल सेल ये अभी कर रहे हैं। किसी भी एफएमसीजी प्रोडक्ट की सफलता में सबसे बड़ा कारण होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रूटी प्रोडक्ट है 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा दुकानों पे सप्लाई है। इनकी इनहाउस टीम है 800 से ज्यादा सेल्स पर्सन की, जो इंश्योर करते हैं कि 2 मिलियन आउटलेट पे हमारा प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। तो ये थी ओवरऑल फ्रूटी की कहानी। इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा, कुछ क्विक लेसन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको भीड़ से कुछ अलग करना है। अब वो अलग किसी भी टर्म में हो सकता है, आप चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी करो या प्रोडक्ट की पैकेजिंग। इन्होंने टेट्रा पैक कर दिया, वही अपने आप में बड़ी चीज हो गई। दूसरी चीज, डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखो, किसी भी एक प्रोडक्ट, किसी भी एक कस्टमर, किसी भी एक वेंडर पे ओवर डिपेंडेंसी अपनी कभी नहीं रहनी चाहिए। थर्ड, अगर आप चाहते हो कि अपने प्रोडक्ट को मासी लेवल पे या बड़े लेवल पे लेके जाना है तो एक कैटेगरी तक सीमित मत रखो। आपने कहा ये बच्चों के लिए है, तो फिर वो बच्चे लेंगे, बच्चों की जितनी पॉपुलेशन है उतना ही होगा। तो आपको अगर बढ़ाना है तो या तो सेल क्या करो, बच्चों के लिए एक प्रोडक्ट, यूथ के लिए एक प्रोडक्ट, जनसामान्य के लिए एक प्रोडक्ट, या इसी प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में फिर प्रचारित करो। तो ये थे 3 लेसन मेरी तरफ से। और आपने क्या क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके अंदर बैठा है कि सर इसकी और मिल जाए तो मजा आ जाए। बाकी बहुत सारी केस स्टडी ऑलरेडी चैनल पे है, बहुत सारी ऑलरेडी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ये वाला भी कर लो और व्हाट्सएप वाला भी कर लो। ठीक है, जय माता दी, मिलेंगे अगली वीडियो में।